ओके, अब आते हैं दोनों टीम्स पे जो प्रेफर्ड ट्रेड्स होंगे राजेश जी के, वो क्या होंगे? राजेश जी, आज आपको बिल्कुल स्मूथ पिच मिल रही है, बिल्कुल सपाट है, इट्स 18606। आपकी अप्रोच दोनों ही टीम्स को देखा आपने, क्या प्रेफर करेंगे आप एक एक ट्रेड? मॉर्निंग वीरेन, वीरेन देखिए, अगर आप दोनों टीम देखे तो एक एक पिक मिड कैप्स में मैंने सिलेक्ट किया क्योंकि मार्केट वैसे फ्लैट ही है। तो देखिए, आज अगर आशीष जी की टीम देखे तो मॉन्टे कार्लो, देखिए मॉन्टे कार्लो का चार्ट बेहतरीन चार्ट है, वीकली चार्ट तो बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट है। चार्ट लेवल ऑफ 747 जो अपने 10 DMA के आसपास है, तो मुझे लगता है यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो 740 का एक छोटा स्टॉप लॉस रखे और टारगेट सेट करे 770-775 का। अगर इस रेंज के ऊपर ही खुलता है देन इट विल बी ट्रीटेड एज अ ब्रेकआउट, देन इट कैन चेस अप टू 800 मार्क। तो यहाँ पे एक बड़ा मूव मुझे लगता है मॉन्टे कार्लो में आना चाहिए। रही बात नीरज जी की टीम, तो देखिए सबसे बढ़िया जो है मेरे हिसाब से तो मोमेंटम में तो DLF ही है, और इनफैक्ट DLF का स्ट्रक्चर देख के लगता है कि ये जिस तरह से एक राइजिंग वेज फॉर्मेशन बना रहा है, तो ये एक बार 485 का स्तर तोड़ता है, ब्रेकआउट देता है, फिर यहाँ पे एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली मिलेगी 500 तक। तो रहेगी नजर DLF पे, स्टॉप लॉस होगा DLF का वो भी छोटा, 475 के स्टॉप लॉस के साथ DLF को लॉन्ग करे, 485 के बाद स्टॉप लॉस को ट्रेल करे, 500 तक की रैली मिलेगी। रखिए इन स्टॉक्स को रडार पे। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।